हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिट 10 ऑफ क्लास 2। आज आपको मैं एक पोयम पहुंचा रहा हूं आपके पास, जिसका नाम है एनिमल फ्रेंड। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग, स्ट्रेंज टॉक है। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर अ लॉग, एक छोटा सा फ्रॉग है वो एक उसके नीचे, लॉग मतलब झरने के नीचे रहता है। एंड एवरी टाइम ही स्पोक, इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग ही ओनली सेड टर टर। क्या बोलता है वो? क्रॉक क्रॉक। फ्रॉग है, क्या बोलता है? क्रॉक क्रॉक। अ डक लिव्ड बाय द वाटर साइड, एक डक है वो कहाँ पे रहता है? वहीं पानी के किनारे। एंड लिटिल डिड ही लैक, बट वैन वी आस्क हाउ डू यू डू, ही ओनली सेट क्वैक क्वैक। फ्रॉग क्या कहता है? क्रॉक क्रॉक। डक क्या कहता है? क्वैक क्वैक। चलो आगे देखते हैं, फ्रॉग भी हो गया, डक भी हो गया। अ लिटिल पिग लिव्ड इन द स्टे, ये इसको बोलते हैं स्टे। एक लिटिल पिग है वो कहाँ पे रहता है? स्टे पे रहता है। As fast as he could be, बहुत मोटा है। And when he asked for dinner, he cried out, wee wee। Croak croak कौन करेगा? Frog। Quack quack कौन करेगा? Duck। Wee wee कौन करेगा? Pig। There three pups lived in a nail। क्या पढ़ते हैं इसको? Nail। तीन पप्स है वो कहाँ पे रहते हैं? नेल में रहते हैं। एंड लव टू मेक अ रो, ऐसी लाइन से चलते हैं। एंड व्हेन दे मेंट मे वी गो आउट, दे सेड भौ भौ। कुत्ता है तो क्या बोलेगा? भौ भौ। देखो मैंने आपको वॉइस याद कराया, फ्रॉग तो क्रॉक क्रॉक, डक तो क्वैक क्वैक, पिग तो वी वी, नेल तो भौ भौ। इफ ऑल द एनिमल्स टॉक्ड एज मच एज लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज, एंड ऑल ऑफ देम ट्राइड टू स्पीक एट वंस, वुड नॉट इट मेक अ नॉइस, कितनी आवाज आ जाएगी अगर सब लोग बोलेंगे। इंस्टेड का मतलब होता है इसकी जगह, लैक का मतलब होता है कमी, स्टे का मतलब होता है जहाँ पिग रहते हैं, नेल का मतलब होता है जहाँ कुत्ते रहते हैं या कुत्ते के बच्चे रहते हैं, रो का मतलब एक लाइन उसको बोलते हैं रो, मेंट का मतलब होता है उससे वो ये बात बोलना चाहता है। आर दीज सेंटेंस ट्रू और फॉल्स, बताना ट्रू और फॉल्स। फ्रॉग को मैंने आपको क्या क्वैक क्वैक बताया था कि क्रॉक क्रॉक बताया था? क्रॉक क्रॉक, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। लिटिल पिग लव टू मेक अ रो, नेल रो बनाते थे कि पिग रो बनाते थे, ये भी हो जाएगा फॉल्स। पहला वाला भी फॉल्स, दूसरा वाला भी फॉल्स। अ डक सेट क्रॉक क्रॉक, डक क्रॉक क्रॉक कहता था कि क्वैक क्वैक कहता था? फ्रॉग कहता था ना क्रॉक क्रॉक, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। पिग क्राइड आउट वी, बस ये वाला ट्रू है, बाकी ऊपर के तीनों फॉल्स है, ऊपर के तीनों फॉल्स है, लास्ट वाला बट ट्रू है। ऊपर के तीनों क्या है? फॉल्स, और ये वाला क्या है? ट्रू हो गया। फिर आगे चलो, सीमा टॉक्स अ लॉट एंड हर ब्रदर कॉल्ड टॉकेटिव। सीमा बहुत ज्यादा बात करती है और उसका भाई उसको क्या बोलता है? टॉकेटिव। डू यू थिंक सीमा शुड टॉक, सीमा को इतनी बात करना चाहिए क्या? बताओ 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 बताओ, आप बताओ, बात करना चाहिए क्या? देखो आप बताओ, बताना हाँ। When the teacher is teaching in the class, बताओ बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यहाँ पे नहीं करना चाहिए। On the playground करना चाहिए। Eating, ना ना ना। When the mother asks about what happened in the school, बस दो जगह काम करना है, playground पे बात करना है, school पे बात करना है, पर teacher जब पढ़ा रहा है तब भी नहीं, और वो खाना खा रही है तब भी नहीं। कंप्लीट द क्वेश्चन विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। डैश इज योर नेम, पहले वाले में क्या आएगा? वॉट इज योर नेम, पहले वाले में क्या आएगा? वॉट इज योर नेम। दूसरा, डैश ओल्ड आर यू, दूसरे में क्या आएगा? हाउ ओल्ड आर यू। तीसरे में क्या आएगा? डैश डू यू प्ले, कहाँ खेलते हो, तो आएगा वेयर डू यू प्ले। चौथा, नहीं नहीं रुको रुको रुको, कब खेलते हो, तो ये आएगा व्हेन, क्या आएगा? व्हेन डू यू प्ले, कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे आएगा वेयर डू यू लिव। यहाँ पे क्या आएगा? वेयर डू यू लिव। ऊपर क्या आएगा? व्हेन डू यू प्ले। इसमें क्या आएगा? हाउ ओल्ड आर यू, और क्या नाम है, तो व्हाट इज योर नेम। टेक द करेक्ट वर्ड, वी डिड नॉट शूट शाउट, शूट का मतलब होता गोली चलाना, शूट का मतलब क्या होता? गोली चलाना, और शाउट का मतलब होता हल्ला करना। क्लास में गोली नहीं चलाना चाहिए कि हल्ला नहीं करना चाहिए? हल्ला, तो क्या आएगा यहाँ पे? शाउट। वी डू नॉट ड्रिंक वाटर, वोटर, पानी को वाटर बोलते हैं, और जो चुनाव में वोट डालता है उसको वोटर बोलते हैं। ही टायर्ड ट्राइड, कोशिश की तो क्या आएगा? ट्राइड, थक गया तो क्या आएगा? टायर्ड।
अगर आप पेड़ पे चढ़ रहे हो तो पेड़ पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हो, उसके लिए क्या आएगा? ट्राइड। विल यू प्लीज हेल्प मी, ये वाले प्लीज की स्पेलिंग सही है कि नहीं है, इसलिए ये वाला आएगा। आई कैन विथ माई आइज, ये समुद्र देखोगे कि सिर्फ देखोगे? सिर्फ देखोगे, तो यहाँ पे आएगा एस डबल ई सी, ये भी हो गया। फिर आगे देखो, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, इससे बनाना है। राम अच्छा लड़का है या कोई अच्छी, राम अच्छा लड़का है तो ही इज राम, ही इज राम। आप कौन हो तो हु आर यू, आप कौन हो तो क्या बन जाएगा, हु आर यू, प्रश्न है तो यह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, हो गया। बाप रे, हैज हैव हेड से ही बनाना है, मेरे पास पेन है तो आ जाएगा आई हैव पेन, आंसर क्या जाएगा आई हैव पेन। उसके पास में टॉफी है तो क्या जाएगा, शी हैज टॉफी, टी ओ डबल एफ डबल ई, टॉफी की स्पेलिंग होती है टी ओ डबल एफ डबल ई। हैड, मैंने कल टिफिन खाया था या लंच किया था, आई हैड लंच, हैड से क्या बन जाएगा आई हैड लंच। अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, राइट फाइव लाइन्स ऑन माई पेट, यहाँ पे फाइव लाइन लिखना है अपने पेट के बारे में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माई पेट इज अ डॉग, मेरा पेट जो है वो क्या है, डॉग, माई पेट इज अ डॉग, उसका कलर वाइट है तो यहाँ पे लिख देता हूँ ही इज अ वाइट डॉग, ही इज अ वाइट डॉग, किस कलर का डॉग है, वाइट डॉग, माई पेट ने, माई पेट इज डॉग, ही इज अ वाइट डॉग। फिर तीसरा सेंटेंस देखना, ही गेट्स अप अर्ली, सुबह जल्दी उठ जाता है तो ही गेट्स अप अर्ली, रोज भौंकते रहता है तो बोलूँगा बहुत भौंकता है तो ही सिंगुलर है तो आ जाएगा बार्क्स, ही बार्क्स सो मच। ये लिख दिया हमने पेट के बारे में सेंटेंस। द वाइस ओल्ड आउल पोयम है, अ वाइस ओल्ड आउल लिव्ड इन अ ओक, ये ओक ट्री है वहाँ पे कौन रहता है, आउल। द मोर ही सॉ द लेस ही स्पोक, ज़्यादा देखता है और कम बोलता है, बात समझे, ज़्यादा देखता है कम बोलता है। द लेस ही स्पोक द मोर ही हर्ड, जितना कम बोलता है उतना ज़्यादा सुनता है। वाई कांट वी ऑल बी लाइक दैट वाइस ओल्ड आउल, हम सब क्यों ना उस उल्लू के जैसे हो जाएं, देखें ज़्यादा बोले कम, सुनो ज़्यादा बोलो कम। लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी अबाउट द टॉकेटिव टॉर्टोइस, देखो क्या होता है, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। ये दो डक है, पानी कम हो रहा है, बोले टॉर्टोइस मैं मर जाऊँगा, तो बोले सुनो हम एक स्टिक लाते हैं, तुम उसको मुंह में फंसाना, हम वो स्टिक को पकड़ के उड़ जाएंगे, ठीक है। ये बोलते हैं ठीक है, बोले हम आपका काम कर देंगे, आप उसको स्टिक को पकड़ लेना, हम आपको उड़ा के लेके चलेंगे। अब ये जैसे 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 ऊपर जाते ना, टॉर्टोइस बात करने लगता और धड़ाम से नीचे गिर जाता, बोला कि गया, ठीक है ना। टू लिटिल या टू बिग डक्स वॉन्ट्स टू टेक द टॉर्टोइस अवे फ्रॉम द रिवर बिकॉज द वाटर इन द रिवर इज कमिंग डाउन, सो दे bring a stick said to tortoise just hold this stick in your mouth and don't say anything but the tortoise speak in between the way and he falls from the sky to the ground. Copy each question and then choose the right answer. Question hai, aapko right answer dena hai. Is the man tall or short? He is tall. Man bada hai to kya jayega? He is tall. यहाँ पे अपन आंसर लिखते हैं, हाँ यहाँ पे। Is the woman tall or short? पहले पूरा यहाँ पे लिख लेना ये। Is the woman tall or short? पूरा यहाँ से कॉपी कर लेना। Is the woman tall or short? बताओ woman कैसी है? Short. तो यहाँ पे सेकेंड लाइन में लिखना नीचे वाली में, woman is short. पहले पूरा टाइप करना सेकेंड वाला और नीचे वाली लाइन में क्या लिखना, woman is short. फिर तीसरा वाला पूरा यहाँ पे टाइप कर लेना, ये जो तीसरा है ना, इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल, अब बताओ एलिफेंट बिग है कि स्मॉल है, बिग है, तो यहाँ पे उसके आंसर में लिखना, यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखना एलिफेंट इज बिग, क्या लिखना नीचे वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में क्वेश्चन लिखना, नीचे वाली लाइन में लिखना एलिफेंट इज बिग। फिर चार नंबर का क्वेश्चन लिखना, इज द माउस बिग और स्मॉल, चार नंबर में क्या लिखना वो वाला, इज द माउस बिग और स्मॉल, आंसर में लिखना माउस छोटा है तो लिखना माउस इज
स्मॉल, समझे ना क्या करना है, माउस इज स्मॉल। फिर पांच नंबर में पूरा क्वेश्चन लिखे आना, इज द ट्री ग्रीन और रेड, इज द ट्री, यहां पे लिखना इज द ट्री ग्रीन और रेड, आंसर में लिखना पांच नंबर में यहां पे ट्री इज ग्रीन, नीचे आंसर में क्या लिखना ट्री इज ग्रीन। फिर छठवा पूरा टॉपिक करना, इज द हाउस ग्रीन और रेड, यहां पे पूरा लिखना इज द हाउस ग्रीन और रेड, और नीचे आंसर में लिखना एच ओ यू सी ई हाउस, हाउस की स्पेलिंग बोलो एच ओ यू, देखो 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 क्या स्पेलिंग है एच ओ यू एस ई हाउस, कैसा है रेड, तो हाउस इज रेड, एच ओ यू एस ई हाउस इज रेड। ठीक है, द ग्रास शॉपर एंड द आंट, ग्रास शॉपर मतलब टिड्डा, आंट मतलब चीटियां, वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रास शॉपर, लेजी मतलब आलसी, जो कोई काम नहीं करता वो कहलाता लेसी, ही डिड नॉट लाइक टू वर्क, ऑल द डे ही सेंग सॉन्ग एंड प्ले इन द वार्म सनशाइन, धूप है मस्त घूमता है फिरता है गाना गाता है बजाता है, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं करता, धूप के दिन है बोले कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, ही Look at me, I am happy as can be. The grasshopper laughed at the hard working ants. They work day and night. चीटी है रात दिन काम करती है बेचारी, छोटे छोटे दाने लेके जाती है अपने बिल के अंदर। We are storing grain for the long winter ahead. चीटी बोलती है उसको कि हम क्या कर रहे हैं, grain store कर रहे हैं, grain मतलब अनाज, जो खाने पीने की चीज होती है ना उसको बोलते grain। हम ग्रेन स्टोर कर रहे हैं। दे रिप्लाइड द लेजी ग्रास शॉपर ओनली लाफ्ट, वो हंसता है उसको कोई मतलब नहीं। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव, अब समर खत्म हो गया विंटर आ गया, गर्मी गई ठंडी आ गई। विंड ब्लो एंड इट स्टार्ट स्नोइंग, हवा चल रही है और बर्फ भी गिरने लगा है। ग्रास शॉपर नाउ बिगिन टू वरी, अब उसको चिंता हो रही है। देयर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास नो फ्लावर और लीव्स, अब कुछ भी खाने को नहीं है, बर्फ है सब जम गया, ना कोई ग्रास है ना कोई फ्लावर है ना कोई लीव्स है। ओ माई गॉड आई कांट सी इवन द फ्लाई और वार्म, मेरे को तो छोटे से छोटी मक्खी या कोई कीड़ा भी नहीं दिख रहा। वॉट विल आई डू, आई विल श्योरली स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता भूखा मरना, स्टेयर का मतलब क्या होता भूखा मरना। अरे बाप रे बोले मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, कुछ भी खाने को नहीं है। ही क्राइड, चिल्लाया। Let me meet my kind neighbor, the aunt. उसकी पड़ोसी थी aunt. बोले मैं उससे मिलता हूँ। The grasshopper remember how the hard-working aunt stored away grain for the winter. चीटी ने यही तो करके रखा था। Winter के लिए grain store करके रखा था। He knocked at the door. Dear aunt, I am hungry and cold. मैं भूखा हूँ, बाहर ठंडी है। I have nothing to eat. मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। Please can you give me some food? क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? The aunt shook in anger, गुस्से से लाल हो गई। Lazy? What were you doing all summer? क्या कर रहे थे तुम पूरे समर भर? गर्मी के समय मैंने बोला था ना स्टोर करके रखो। You were only singing and dancing. तब क्या कर रहे थे? गा रहे थे, बजा रहे थे। You should have thought how cold winter month ahead. तुमको तो सबक सीखना ही चाहिए कि विंटर के मंथ कैसे जाते हैं। Go away, भग जाओ यहाँ से। She slammed her door shut. The lazy grasshopper went hungry as before. बेचारा भूखा भूखा वापस आ गया। How did the grasshopper spend his day? आंसर यहाँ पे आएगा The grasshopper spend his day by singing. क्या करता था वो? Singing. अगला देखो, did the grasshopper find food in the winter? No. Grasshopper को कोई food नहीं मिला. What did the ant tell to grasshopper when he asked for food? क्या बोला उसने? Go away. भाग जाओ यहाँ से. हो गया आंसर. If you were asked to store things for the winter, what would you store? Name three things. अगर आपको winter के लिए store करने का बोला तो आप क्या store करना? वीट स्टोर करना, वीट मतलब चावल, राइस स्टोर करना, राइस मतलब गेहूं, ये दो चीज़ तो स्टोर करके रखी लेना, और अगर आपको और कुछ ज़रूरत है तो पल्सेस दाल वगैरह भी स्टोर करके रख लेना, दाल चावल और आटा, आटा मतलब गेहूं। व्हाट सीज़न डू यू लाइक द बेस्ट, आपको सबसे अच्छा कौन सा सीज़न लगता है? मेरे को तो सबसे अच्छा विंटर सीज़न लगता है। टेल द क्लास स्टोरी, आपको भी स्टोरी बताना है ग्रास ऑपर की अपनी लैंग्वेज में। देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक टिड्डा था और वो थी चीटी,
चीटी दिन रात मेहनत करती थी, खाना जमा करती थी, टिड्डा बढ़िया हंसता था, गुनगुनाता था, गाता था, बजाता था और उसको कोई मतलब नहीं था। चीटी बोलती थी विंटर के लिए स्टोर कर रहे हैं, वो स्टोर नहीं करता। बाद में जब विंटर आता, इन्हीं के पास जाता, बोले कुछ खाने को दो, चीटी उसको भगा देती। सरकर द वर्ड डेट मीन द सेम, स्पीक और टॉक ये दोनों का मतलब सेम होता है। स्पीक मतलब भी बोलना, टॉक मतलब भी बोलना। शाउट अलग हो जाता है, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, तो सेम सेम कौन हो जाएगा, स्पीक और टॉक। ठीक है, कंप्लीट और फिनिश ये दोनों भी सेम है, कंप्लीट मतलब भी पूरा और फिनिश मतलब भी पूरा। स्टार्ट का मतलब अलग हो जाएगा, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए, कंप्लीट और फिनिश। दूसरे में देखो, स्मॉल मतलब भी छोटा और लिटिल मतलब भी छोटा। थिन गलत हो जाएगा क्योंकि थिन का मतलब होता है दुबला, स्मॉल और लिटिल ये दोनों सेम हो गए। सिक मतलब भी बीमार, इल मतलब भी बीमार। स्टाउट का मतलब मोटा ताजा होता है, वो अलग हो जाएगा, सिक और इल दोनों हो जाएंगे सेम। बिग लार्ज फैट, आप बताओ दोनों में से कौन कौन सा सेम है। बिग मतलब भी बड़ा, लार्ज मतलब भी बड़ा, ये फैट हो जाएगा अलग। कर दिया अपन ने सेम सेम को सर्कल। फिर आगे चलते हैं, द वेब वर्ल्ड, when you hear winter and summer, what are the words that came to your mind? Write this word in the bubble. Winter में आपको क्या दिखता है, winter में आपको क्या दिखता है, snow दिखता है, और क्या दिखता है, हवा चलेगी तो BREEZE, breeze दिखता है। winter में और क्या दिखता है, apple दिखता है, scarf दिखता है, और क्या दिखती है, SWEATER, sweater दिखती है winter में। और summer में क्या दिखता है, आइसक्रीम दिखती है, और क्या दिखता है, जूस दिखता है, और क्या दिखता है, पॉपकॉर्न दिखता है, और क्या दिखता है, हीट दिखता है, और क्या दिखता है, समर में कूलर। हो गया, आगे देखो, लेटर विद द नंबर आर गिवन इन द बॉक्स, पिक अप द लेटर अंडर ईच नंबर एंड रिप्लेस द नंबर बाय राइटिंग इट इन द ब्लैंक्स। यहाँ से क्या करना, नंबर उठाना। जैसे यहाँ पे मैं 4 नंबर का करके बताता हूँ, आपको ध्यान से देखना। जैसे 23 है ना, ये देखो, ये आपको यहाँ से लेके बताता हूँ, 23 है ना, तो 23 पे ये लिख के आना, क्या लिख के आना, एस लिख के आना। 23 के बाद 26 है ना, तो 26 पे देखो देखो देखो, यहाँ पे 26 पे क्या है, यू, तो यहाँ पे क्या लिख के आना, यू। 77 पे देखो क्या है, एम, तो 7 पे क्या लिख के जाना, एस यू डबल एम। अब बचा 16, 15, तो 16 पे क्या है, ई, और 15 पे क्या है, 15 पे देखो आर, तो ये आ गया SUMMER, समर। अब 4, 3, 15 और 7, अपने को पता है 7 पे क्या है M, 15 पे क्या है, अब भी देखा अपन ने, अरे बताओ ना 15 पे क्या है R, अब बचा 3 और 4, मैं आपको बताता हूँ 3 पे क्या है A, 4 पे क्या है W, तो WARM, समर इज़ वेरी वार्म। समझ गए ना क्या करना है, यहाँ से लेटर उठाना और ऊपर लिख के आना है। देखो जैसे यहाँ पे 4 नंबर है ना, तो यहाँ पे भी 4 नंबर देखो आपको दिख जाएगा, 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे क्या है W। अब 9 नंबर देखो, यहाँ पे आपको 9 नंबर पे दिखेगा क्या है, बोलो क्या है, आई। अब देखो नंबर कितना है, 22 पे देखो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, एन, डब्ल्यू आई एन। अब बचा 12 पे क्या है, देखो 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 देखो, टी, 12 पे क्या है, टी। 16, 15 हमको पता है 16 पे है ई और 15 पे है आर, तो ये बन गया विंटर। ऐसे यहाँ पे बनाना, समर इज़ वेरी वार्म, विंटर इज़ वेरी, ये बनेगा कोल्ड। ऐसे ही आगे के भी वर्ड आप बनाते जाना। फिर अपन आगे चले, अंडर द पिक्चर ए डिस्क्राइब वॉट सच पर्सन एनिमल इज डूइंग अंडर द पिक्चर बी राइट, ये लोग क्या कर रहे हैं आपको बता ना है। अ लेडी इज साइकिलिंग, क्या बोलती है वो, अ लेडी इज साइकिलिंग, अ मैन इज रनिंग, टू गर्ल्स आर प्लेइंग, अ डॉग इज स्लीपिंग। आप बता दो ये क्या बोलता है, ए सेंटेंस डिस्क्राइब वॉट ईच पर्सन इज डूइंग अंडर पिक्चर बी राइट। पिक्चर बी में यहाँ पे आपको राइट कर देना है क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख दो क्या क्या हो रहा है। पिक्चर बी का मैं आपको बताता हूँ, अ लेडी साइकिलिंग, यहाँ पे एक लेडी गार्डनिंग कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा अ लेडी इज गार्डनिंग, GARDENING, अ लेडी इज गार्डनिंग, क्या आ जाएगा, अ लेडी इज गार्डनिंग।
अ मैन इज रनिंग, पहले वाले में अ मैन इज रनिंग है, यहाँ पे मैन देखो स्लीपिंग, तो बी में क्या आ जाएगा, अ मैन इज स्लीपिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ मैन इज स्लीपिंग. टू गर्ल्स आर प्लेइंग, पहले वाले में टू गर्ल्स प्लेइंग है, यहाँ पे भी टू गर्ल्स क्या है, प्लेइंग है, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, टू गर्ल्स आर प्लेइंग जैसे का वैसा यहाँ पे आ जाएगा. अ डॉग इज स्लीपिंग, यहाँ पे डॉग सो रहा है, देख लो पहली पिक्चर ए में डॉग सो रहा है कि नहीं सो रहा है, यहाँ पे डॉग क्या कर रहा है, ईट कर रहा है, तो यहाँ पे बनेगा अ डॉग इज ईटिंग, यहाँ पे क्या बनेगा, अ डॉग इज ईटिंग. बना ना पिक्चर ए का पिक्चर बी में, यहाँ पे लेडी साइकिलिंग कर रही है, यहाँ पे गार्डनिंग कर रही है, यहाँ पे मैन रनिंग कर रहा है, यहाँ पे स्लीपिंग कर रहा है, यहाँ पे डॉग स्लीपिंग कर रहा है, वहाँ पे रनिंग कर रहा, द सन शाइन्स इन द स्काई, द सन शाइन्स इन द स्काई. और यहाँ पे हमारी यूनिट 10 होती है कंप्लीट. यहाँ पे क्लास 2 की एक और प्लेलिस्ट जनरेट हो गई है मैरी गोल्ड नाम से, क्लास 2 इंग्लिश. इतने सपोर्ट के लिए, इतने ध्यान से देखने के लिए थैंक यू वेरी मच. अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप प्लीज़ उससे भी हमारा चैनल शेयर कीजिए. आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, थैंक यू वेरी मच.